मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर प्रेस करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी एंड ब्यूटीफुल पेट सर्विस। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े भी जो है वो अच्छे से गुजर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को ये चूज़े दिखाने थे और जब मैंने ये मुर्गी अंडों पर बिठाई थी वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चूज़े निकल आएंगे तो वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो चूज़े निकले हुए तो तकरीबन जो है 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो है वीडियो मैं आज बना पाया हूँ। तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये माशाल्लाह से बहुत ही जो है हेल्दी चूज़े इसके निकले हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। तो इसमें जो है कुछ चूज़े जो हैं वो फैंसी हैं, जैसा मेरे पास मुर्गा है कुछ उस तरह के हैं, कुछ इस मुर्गी के जैसे हैं गंजे, जो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। 2 चूज़े जो हैं इसमें गंजे हैं और कुछ जो है मिस्री चूज़े हैं, कुछ देसी हैं। इसी तरीके से जो है क्योंकि अलग अलग मुर्गियाँ हैं तो अलग अलग मुर्गे भी हैं, तो इस तरह से जो है सब मुर्गियों के अलग अलग अंडे रखे हुए होते हैं, तो वो जो है अलग अलग ब्रीड जो है इस तरह से मिल जाती है। तो ये चूज़े हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं और इंशाल्लाह इनकी खुराक पर भी जो है एक वीडियो और बनाऊंगा। वैसे तो पहले ही एक खुराक पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि छोटे चूज़ों को कौन सी खुराक देनी चाहिए, वो वीडियो आप लोगों को इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। लेकिन एक और वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें बताऊंगा कि जो है जल्दी चूज़े जो है आप लोग बड़े किस तरह से कर सकते हैं, जो इनकी ग्रोथ है वो और भी फास्ट हो, तो उस पर भी एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। और इसके साथ ही साथ व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि गोलियां वगैरह जो है, जो मैं टैबलेट्स अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं अलग अलग बीमारियों के लिए, तो आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि वो किस तरह से खिलानी है, कितनी देनी है, क्या डोज है और कौन से छोटे चूज़े या बड़ी मुर्गियों को किस तरह से देनी है। तो ये सारी बातें जो है मैं अपनी उसी वीडियो में बता देता हूँ। जो वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ वो सब डिटेल से मैं कवर करता हूँ, लेकिन आप लोग जो है वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, तो इस वजह से जो है आप लोगों से जो है कुछ ज़रूरी बातें जो है वो मिस हो जाती हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आप लोगों से कोई भी बात मिस ना हो। तो इसलिए जो है वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें ताकि आप लोगों को बार बार जो है वो पूछना ना पड़े, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कमेंट में जो है सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है टैबलेट्स के बारे में, या जो कैप्सूल मैं बताता हूँ कि कितने देने हैं, किस वक्त देने हैं, कब और कब कब खिला सकते हैं। तो वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों के सवालों के कमेंट्स में भी जो है रिप्लाई कर देता हूं, तो आप लोगों को वहां से भी पता चल जाता है। तो बराए मेहरबानी जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसको आप मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि कोई भी बात आप लोगों से मिस ना हो। तो आप लोगों से कोई बात मिस नहीं होगी, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और फिर अपनी जो आप लोगों की मुर्गी जो भी बीमार हो या छोटे चूज़े जो भी बीमार होंगे उनका इलाज आप बेहतर कर सकेंगे। और वैसे मैं हमेशा रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन कभी कभार जो है बिज़ी होने की वजह से किसी एक का रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग जो है वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें ताकि कोई भी बात मिस ही ना हो और आप लोगों को बार बार पूछना ही ना पड़े। तो इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट जो है वो करते रहा करें, उसमें मुझे बताते रहा करें आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, तो और आप लोग किस टॉपिक पर जो है वीडियोस जो है चाहते हैं, इनके अलावा कौन से अपने मर्ज़ी का टॉपिक जो है मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इस पर वीडियो देखना चाहते हैं, या अगर आप लोगों के साथ कोई मसला हो किसी तरीके का, कोई बीमारी वगैरह, तो उसकी भी जो है वीडियो मैं बना दूंगा, वो भी बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो और चूज़े जो है माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी हैं और आप लोगों ने भी अच्छे से देख लिए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और व्यूअर्स, जो आप लोगों के सवाल होते हैं कि कितने कैप्सूल जो है, कितना डोज कैप्सूल्स का या टेबलेट्स का खिलाना चाहिए, तो इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप लोगों को इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो दोनों वीडियोज़ आप लोगों को इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगी, तो दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।